हेलो एवरीवन, वी आर फ्रॉम डिजिकॉन ऑटोमेशन और अब हम जो एप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे वो है क्रेन लॉन्ग ट्रैवल एप्लीकेशन, जो कि लॉन्ग ट्रैवल के लिए यूज होता है। इसमें हमने जो टर्मिनल यूज किए हैं वो 12, 18, 19, जहाँ 18 पे फॉरवर्ड पुश बटन और 19 पे रिवर्स पुश बटन। वही हमने ब्रेक रजिस्टर यूज किए हैं, उसके लिए जो ब्रेक कॉन्टेक्टर है उसे हमने रिले पे कनेक्ट किया है 01 एंड 02 पे। और अब ये है पैरामीटर्स लॉन्ग ट्रैवल एप्लीकेशन के लिए, जो कि हम ड्राइव के अंदर कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ पर हमने जो एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन टाइम है वो हम अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से सेट कर सकते हैं। सबसे पहले पैरामीटर देखने के लिए दो बार मेन्यू प्रेस करके हम मेन मेन्यू में जाएंगे। यहाँ पैरामीटर ग्रुप 1 में 1-01, जो कि मोटर कंट्रोल प्रिंसिपल है, उसे हम U/F जो कि 0 है सेट करेंगे। उसके बाद 1-20 से 1-25 तक जो भी मोटर का डेटा है वो हम ड्राइव के अंदर कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद हम 1-60 में जाएंगे, जो कि हमारा लो स्पीड लोड कंपेंसेशन है, उसे हम 180% सेट कर देंगे। सो यहाँ पर हम अप की और डाउन की से वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 180% सेट कर दिया है वैल्यू। अब बैक बटन दबाकर पैरामीटर ग्रुप 2 में जाएंगे। यहाँ पर 2-10 जो कि ब्रेक फंक्शन है उसे हम 1 सेट करेंगे रजिस्टर ब्रेक के लिए, जो कि हम यूज करने वाले हैं। इसके बाद 2-11 जो कि ब्रेक रजिस्टर ओहम में है, वो हम जो भी ब्रेक की वैल्यू होगी वो हम सेट करेंगे। और 2-12 जो कि ब्रेक पावर लिमिट है किलोवाट में, उसे भी हम ब्रेक की वैल्यू के ऊपर से ड्राइव के अंदर सेट करेंगे। इसके बाद 2-20 जो कि रिलीज ब्रेक करंट है, उसे हम 30% ऑफ मोटर करंट, मतलब कि जो भी मोटर का करंट होगा उसका 30% वैल्यू हम सेट करेंगे। और 2-22 जो कि एक्टिवेट ब्रेक स्पीड है, उसे हम 10 हर्ट्ज सेट करेंगे। अब बैक बटन दबाकर पैरामीटर ग्रुप 3 में जाएंगे। यहाँ पर 3-10 जो कि मेन स्पीड रेफरेंस है, उसे हम 100% सेट करेंगे। यहाँ पर 3-10 ओके दबाकर 0 नंबर आएगा, उस पर ओके दबाकर हमें 100% वैल्यू सेट करनी है। इसके बाद बैक बटन दबाकर पैरामीटर ग्रुप 3-15 में जाएंगे, जो कि एक रेफरेंस रिसोर्स है, उसे हम 0 सेट कर देंगे। 3-16 और 3-17 को भी हम 0 सेट कर देंगे। अब 3-41 और 3-42 जो कि एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन टाइम है, उसे हम एप्लीकेशन के हिसाब से सेट कर देंगे। और 4-14 बैक बटन दबाकर जो कि टॉर्क लिमिट, जो कि मोटर स्पीड हाई लिमिट है, उसे हम 50 हर्ट्ज सेट करेंगे। और पैरामीटर नंबर 4-16 जो कि टॉर्क लिमिट मोटर मोड है, उसे हम मैक्सिमम सेट कर देंगे। अभी यहाँ पर 155% है, पर हम इसे मैक्सिमम सेट कर देंगे जो भी हमारा टॉर्क लिमिट मोटर मोड होगा। अब बैक बटन दबाकर पैरामीटर ग्रुप 5 में जाएंगे डिजिटल इनपुट्स के लिए। यहाँ पर टर्मिनल नंबर 18 जो कि डिजिटल इनपुट है, उसे हम वैल्यू 8 सेट करेंगे स्टार्ट फंक्शन के लिए। और 5-11 जो कि टर्मिनल 19 के लिए है, उसे हम स्टार्ट रिवर्स फंक्शन के लिए वैल्यू 11 सेट करेंगे। इसके बाद पैरामीटर नंबर 5-12, 5-13, 5-14, 5-15 और 5-16 को नो ऑपरेशन के लिए 0 सेट कर देंगे।
और अब हम पैरामीटर नंबर 5-40 में जाएंगे फंक्शन रिले के लिए। यहां पर हम वैल्यू 32 जो कि मैकेनिकल ब्रेक कंट्रोल है उसे हम सेट करेंगे, जो कि ब्रेक कॉन्टेक्टर के लिए यूज होगा। So, इस तरह हमने ड्राइव के अंदर सारे पैरामीटर कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। तो ये था हमारा एप्लीकेशन बेस्ड ऑन लॉन्ग ट्रैवल फॉर क्रेन।